रुक क्यों गए संजय? महाराज, मेरे धैर्य और साहस की सीमा यहीं समाप्त होती है। चलो गांधा। दुर्योधन, 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 पुत्र दुर्योधन, कहाँ तुम? पुत्र, कहाँ है मेरा पुत्र? दुर्योधन, पुत्र, माते, पिताश्री, कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, मुझे क्षमा करें माते। कहाँ हो तुम? मेरा पुत्र यहाँ है, आओ पुत्र, मेरा। मुझे क्षमा करो माते, मैं खड़ा होकर आपके चरण स्पर्श भी नहीं कर सकता। पुत्र, क्या तुम्हारे शरीर पर बहुत घाव आए हैं? घाव ही घाव तो है पिताश्री, शरीर रह ही कहाँ गया है? हे भगवान, अच्छा ही किया जो तूने मुझे नेत्रहीन पैदा किया, नहीं तो आज मुझे तुमसे नेत्रहीनता की भीख मांगनी पड़ती। मैं अपने पुत्र दुर्योधन को इस दशा में नहीं देख पाता। ये सब क्या हो गया पुत्र? ये सब क्या हो गया? वही हुआ जो होना था माता श्री। युद्ध में जाने से पहले आपने मुझे विजय का आशीर्वाद नहीं दिया था, मुझे विजय भवन नहीं कहा था माता श्री, इसलिए मैं विजय नहीं हुआ। आपने तो मुझे जीवित रहने का आशीर्वाद दिया था माता श्री, आयुष्मान भव कहा था। सो देख लीजिए पिताश्री, मैं अब भी जीवित हूं, हर पल मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूं, परंतु ये मृत्यु भी आप ही की भांति माताश्री मुझे गले नहीं लगाती। ऐसा मत कहो पुत्र, अपने माँ के दुर्भाग्य पर कटाक्ष की छुरियां मत चलाओ। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने तुम्हें अपने कोख में पाला ही ना हो। तुम्हारे जन्म पर प्रसव पीड़ा ही न सही हो। तुम क्या जानो पुत्र, तुम क्या जानो अपने पुत्र के मौत पर ये माताएं कैसे मरती हैं? मैंने अपने 99 पुत्रों के वध के समाचार सुने हैं। 99 बार मैं मरी हूं, किंतु अब 100वीं बार मरने का साहस नहीं है मुझ में। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी पुत्र, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी पुत्र, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी पुत्र। नहीं माते, ऐसा अनर्थ कदापि मत करना। तुम्हारा ये पुत्र पराजय और जीवन दोनों का बोझ एक साथ नहीं उठा पाएगा माते। पांडवों की विजय पताका
ऊपर लहरा रही है और कुरु अभिमान मिट्टी में मिल रहा है। ये मुझसे कदापि देखा नहीं जाएगा माते, कदापि देखा नहीं जाएगा। मैं अपना गौरव टूटने और पांडवों की जय जयकार का शोर कभी सहन नहीं कर पाऊंगा माते। माते, यदि आपके मन में अपने पुत्र के प्रति लेश मात्र भी प्यार है तो प्रार्थना कीजिए माते कि मेरी मृत्यु सहज हो जाए। पिताश्री से भी कहिए कि वो भी मेरे लिए प्रार्थना करे। मुझसे क्या कह रहे हो पुत्र, मुझसे तो सभी ने छल किया है। विधाता ने, जीवन ने, अपनों ने, परायों ने, और अब तुम भी मुझसे छल करके जा रहे हो पुत्र। तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो, जीवन के एक ऐसे मोड़ पर मुझे छोड़कर जा रहे हो जहां जहां पीछे का मार्ग पीछे छूट गया है और आगे का मार्ग अंधेरों में गुम हो गया। पुत्र, तुम भी मुझसे छल करके जा रहे हो। मैंने अपने 99 पुत्रों की मृत्यु का दुख सहन कर लिया, अब तुम भी जा रहे हो। तुम्हें भी मुझ पर दया नहीं आई पुत्र। मैंने तुम्हारे लिए विश्व विजेता और अपने लिए विश्व सम्राट के पिता बनने का स्वप्न देखा था, लेकिन आज वो स्वप्न मेरी अंधेरी आंखें संभाल नहीं सकी पुत्र। आज वो सपना टुकड़े टुकड़े होकर मेरी अंधी आंखों से बाहर जा रहा है। नहीं, नहीं, गांधारी, गांधारी कहाँ हो तुम? मैं यही हूँ अरे पुत्र। चलो, मैं यही हूँ। चलो गांधारी, चलो। नहीं, मैं यहाँ अब एक पल भी नहीं ठहर पाऊंगा। मैं नहीं देख सकता कि मेरे सामने मेरा पुत्र अपने जीवन की अंतिम सांस ले रहा है। चलो गांधारी। नहीं अरे पुत्र, मैं नहीं रुक सकता गांधारी। मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। पिताश्री ठीक कह रहे। माताश्री, आप लोग जाएं, मेरे जीवन के अंतिम क्षणों में मुझे अपनी पराजय और पीड़ा के साथ अकेला छोड़ दें। परंतु जाने से पहले माताश्री, एक बार मेरा सर अपनी गोद में रख लीजिए। मुझे एक पल के लिए किसी साम्राज्य का राजा नहीं, केवल एक माँ का बेटा बनकर जी लेने दो। बस पुत्र, तू मेरा बेटा है। इस अभागन माँ का लाडला बेटा। चलो गांधारी। पुत्र दुर्योधन, पुत्र, तुम बोलते क्यों नहीं? पुत्र, तुम चुप क्यों हो गए? जोर से मत पुकारो। मेरा दुर्योधन सो गया है। जोर से पुकारेंगे ना तो उसकी नींद टूट जाएगी। अभी यहां से
चली आ रे पुत्र, मेरे दुर्योधन को सोने दीजिए, अब यहां से चली आ रे पुत्र, मेरे दुर्योधन को सोने दीजिए, मेरे दुर्योधन को सोने दीजिए, अब यहां से चली आ रे पुत्र, मेरा दुर्योधन सो गया है, मेरा दुर्योधन सो गया है। रोते हैं धृतराष्ट्र अब दशा पुत्र की देख, होता है अन्याय का ऐसा ही आलेख, ऐसा ही आलेख।